जीपीएस मैप कैमरे से लिए गए फोटो के आधार पर यातायात पुलिस नोटिस वाहन चालक के घर या व्हाट्सएप नंबर पर भेजेगी। यातायात पुलिस जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने प्रयास कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग द्वारा जिले की यातायात व्यवस्था को लेकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वाहन चालक जो नियमों के जानकार होकर भी जानबूझकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर भी कार्रवाई करने के दिए निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा वर्तमान में मैनुअली चालान बनाया जा रहा है एवं अब यातायात पुलिस आधुनिकीकरण का उपयोग करते हुए जीपीएस मैप कैमरे का उपयोग चालान के लिए करेगी। यातायात पुलिस बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, दो पहिया वाहन में तीन सवारी, नाबालिग द्वारा वाहन चालन, मॉडिफाइड साइलेंसर, गलत नंबर प्लेट, मालवाहक में सवारी ले जाना, ऐसे वाहन चालकों का जीपीएस मैप कैमरा के माध्यम से फोटो खींचकर वाहन मालिक को नोटिस जारी करेगी, जिस पर 3 दिनों के अंदर वाहन मालिक को नेहरू नगर यातायात मुख्यालय आकर अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद यातायात पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। कैसे आप लोगों को चालान कटेगा? अभी वर्तमान में यातायात पुलिस जो चालानी कार्रवाई करती थी वो मैन्युअली चालानी कार्रवाई करती थी, गाड़ियों को रोकती थी और उसका डॉक्यूमेंट चेक करते थे और उसका फाइन काटते थे, किंतु अब उन्होंने आधुनिक तरीकों से चालान करना जो वायलेशन करते हैं उसके लिए जीपीएस मैप कैमरा जो हमने सभी जो हमारे स्टाफ है उसमें डाउनलोड कराया गया है और उसके कैमरे के माध्यम से यदि कोई वायलेशन करता है तो उसका फोटो खींचने से उसके लोकेशन भी आ जाएगा, उस गाड़ी का नंबर भी आ जाएगा और उस जगह का स्थान और समय और दिनांक, इसके पूरे डेटा मिलने के बाद जो हम गाड़ी के नंबर के आधार पर उसका एड्रेस निकाल लेंगे, उसका मोबाइल नंबर निकाल लेंगे और उसके आधार पर उस व्यक्ति को मोबाइल में भी हम लोग अपडेट चालान भेज सकते हैं। उसके एड्रेस मिलने पर यदि उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके घर के एड्रेस में भी चालान भेजा जाएगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उसमें जो व्यक्ति वायलेशन कर रहा है उसका समय भी कम, वहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उसका पारदर्शिता भी बनी रहेगी। यदि वो किसी अर्जेंट काम में जा रहा है तो वो तत्काल जा सकेगा और अभी जो हमारे ASI स्तर के अधिकारी लोग चालान करते थे और जो गूगल मैप के माध्यम से हमारा जो कॉन्स्टेबल भी है वो भी किसी वायलेशन को देखता है, वायलेटर को देखता है तो उसका फोटो खींच के हमारे जो ग्रुप बनाया गया है कंट्रोल रूम में उसमें भेज सकता है और उसके आधार पर हम लोग अधिक से अधिक जो वायलेशन कर रहे हैं उसका भी चालान कर सकेंगे। इससे ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन है वो भी लोगों में आएगा और एक पारदर्शिता भी बनी रहेगी। निश्चित रूप से इसके गूगल मैप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उससे एक लोगों में विश्वास भी बढ़ेगा और जो वायलेशन करते हैं लगातार उसमें भी कंट्रोल हो सकेगा। लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील यह है कि यातायात पुलिस लगातार आपकी मदद के लिए, सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आप लोग भी नियमों का पालन करें, यदि दो पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट न लें, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से जो हम लोग लगातार वायलेशन पर कार्रवाई कर रहे हैं उससे आप बच भी सकेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा सुधार हो सकेगा। गौरतलब है कि जीपीएस कैमरे से फोटो लेने पर फोटो में लोकेशन, दिनांक, समय, वाहन नंबर एवं वाहन चालक द्वारा कौन से यातायात नियम का उल्लंघन किया गया है ये क्लियर हो जाएगा और वाहन चालक को कार्रवाई स्थल पर ज़्यादा देर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। जीपीएस मैप कैमरे के उपयोग से वाद विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होगी एवं पारदर्शिता बने रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।